वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे सूप, भेज सूप। इसके लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, गाजर, मटर और शिमला मिर्च, जो शिमला मिर्च नहीं, थोड़ा सा प्याज का पत्ता, बीन, अदरक, लहसुन, बस इतना ही हमें सामान चाहिए। और मटर जो चाहिए, मटर ऐसे ऐसे उसका ऐसे वाला चाहिए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। थोड़ा सा बस ब्राउन कलर थोड़ा सा हो जाए बस। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। तो हमें इसको पूरा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। सब अजिनोमोटो डालते हैं, पर मेरे पास अजिनोमोटो नहीं है, मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। थोड़ा सा बस ये फूटने लगे, फिर आगे का प्रोसेस करें। देखिए ये हो, इसका देखिए किसी बॉयल आने से उसका कलर कैसे चेंज हो गया है ना। तो बस यही कलर हमें चाहिए। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा टमाटो प्यूरी, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच। तो ये है सूप का पाउडर है, जो मार्केट में मिलता है ना, आता है 10 रुपए का पैकेट का आता है, बस उसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी देके उसको मिला दूँगी। आप चाहें, अगर नहीं है, आप नहीं चाहते मार्केट से कुछ लाने के लिए, तो आप आरारूट पाउडर बस एक चम्मच इसमें गर्म पानी से घोल के इसमें डाल दीजिए, बस हो जाएगा। तो बस अब मैंने पानी घोल के रख दिया है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। कभी कभी जब नहीं होता है मेरे पास तो मैं वो मार्केट वाला नहीं डालती हूँ, अब मैं कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डाल देती हूँ तो बस बन जाता है मेरा। थोड़ा सा इसको बॉयल आने देंगे, उसके बाद रेडी हो गया है। अब उसका कलर भी कैसे हो गया ना, अच्छा हो गया ना। बस अब वो सूप वाला पाउडर भी अगर आपके पास नहीं है ना, कॉर्नफ्लावर डालोगे तो भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम लास्ट में उसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च, बस इसको डाल के अच्छे से उसको मिला देंगे, बस। अब हम इसको पियेंगे, उसको बंद कर देते हैं पहले, फिर हम इसको पियेंगे। बाउल में निकाल देती हूँ। तो ये देखिए मेरा हो गया वेजिटेबल सूप। अब इसको हम खाएंगे और बहुत टेस्ट लगता है, आप घर में भी बनाइए और बहुत अच्छा लगता है। आप घर में बनाइए वेजिटेबल सूप और कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, बाय।